संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आए हैं। कुछ कमेंट्स के द्वारा हमसे प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपका भाव होना चाहिए। इसमें समय की कोई बंदिश नहीं है, कोई समय का ऐसा उल्लेख नहीं है कि हमें इतने समय में करना है या जल्दी करना है या धीरे करना है। बस आप भाव से कीजिए, जितना अधिक आपका भाव होगा उतनी जल्दी हनुमान जी तक आपकी पुकार पहुंचेगी और उतना अधिक लाभ होगा। भाव से पढ़िए और बहुत अधिक जल्दी जल्दी ऐसे जय हनुमान का अनुसार जय कपिस्ती लोक हो जाकर, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ना पढ़े। थोड़ा तो आप आराम से पढ़िए और भाव से पढ़िए और आप प्रयास कीजिए आपको अर्थ समझ आए। आप एक बार पूरी हनुमान चालीसा का अर्थ देख लीजिए और जब आप हनुमान चालीसा पढ़े तो चित्र आगे आए, हनुमान चालीसा आपको लगे जैसे मूवी चलती है हमारी आंखों के आगे, वैसे आपके सभी जो भी हनुमान चालीसा में वर्णन है वे सभी चित्र आपकी आंखों के समक्ष आए और आप भाव में आप लीन हो जाए। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भाव में आप हनुमान चालीसा पढ़े, ऐसा केवल ध्यान रखे, समय का ध्यान ना रखे, समय की चिंता ना करे, केवल भाव से आप पाठ करें। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक लेकर करना चाहिए या वैसे भी कर सकते हैं? तो देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कैसे भी कर सकते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कैसे पढ़े, नहा कर पढ़े, बिना नहाए पढ़े, खड़े होकर पढ़े, बैठ कर पढ़े, पुस्तक लेकर पढ़े, बिना पुस्तक लिए पढ़े, पुस्तक लेकर पढ़े अच्छा, ना लेकर पढ़े तो भी अच्छा, कोई समस्या नहीं है, बस पढ़े और भाव से पढ़े, पुस्तक का कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, यदि आप ले लें तो अच्छा है, आपका ध्यान जब आप पढ़ते हैं, आप बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो आपका ध्यान और कहीं नहीं भटकता। जब आपकी आंखों के समक्ष हनुमान चालीसा होगी और आप पढ़ेंगे तो ध्यान कहीं और जाने की संभावना कम है, इसलिए यदि आप ले लें तो अच्छा है, पर यदि ना भी लें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बिना पुस्तक लिए या बिना आसन पर बैठे हम पाठ नहीं कर सकते। आप कभी भी कहीं भी पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है, क्या हनुमान चालीसा मन के अंदर पढ़ सकते हैं या उसका तेज तेज उच्चारण करना चाहिए? देखिए, हमने अभी आपको बताया, जब आप पढ़ते हैं सामने और जब आप बोलते हैं और सुनते हैं, सुनेंगे कैसे? जब आप अपने मुख से ध्वनि निकालेंगे, जब आप तेज बोलेंगे तो आपके कानों में भी सुनेगा, तो मन बहुत एक बारी में बहुत जगह ये जाता है। तो जब आपका मन बोलने में लगेगा, पढ़ने में और सुनने में, तो आपका ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए जब आप तेज बोलकर आप पढ़ेंगे तो आपको सुनाई भी देगा, आप देख भी रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, तो मन जो है और कहीं नहीं भटकेगा। इसलिए अधिक तो उत्तम यही रहता है कि आप अपने मुख से ध्वनि निकाले, आप वाणी निकाले, मन में ना पढ़े। परंतु यदि आपकी ऐसी स्थिति, आप कहीं ऐसी जगह है कि आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते तेज, तो आप मन में भी पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु अधिक उत्तम जो है वो तेज उच्चारण करने से अधिक लाभ होगा। इससे बात केवल यह है कि आपका मन और कहीं भटकेगा नहीं। जैसे हमारा मन पूजा करते समय अलग अलग जगह किसी विषयों में भटकता है या कहीं भी भटकता है, वह मन उससे थोड़ा नियंत्रण में रहता है। बात केवल इतनी सी है और कोई भी समस्या नहीं है। चौथा प्रश्न यह है कि हनुमान चालीसा के 100 पाठ है एक दिन में, धीरे धीरे करके या ब्रेक लेकर, कहना चाह रहे हैं आप शायद कि ब्रेक लेकर हम पढ़ सकते हैं। देखिए, एक तो ऐसे मत कीजिए कि आप गिनती कर रहे हैं, आप भाव से आपसे जितने पाठ हो, जबरदस्ती 100 पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका भाव नहीं है और आप केवल जबरदस्ती 100 पाठ करने के चक्कर में आप पढ़े जा रहे हैं तो उसमें लाभ नहीं होगा। आप केवल एक पाठ कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, जितना आपका भाव हो उतने पाठ कीजिए। केवल एक पाठ भी यदि आप भाव से प्रतिदिन करें तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है। एक तो भक्त ऐसे थे केवल एक चौपाई का पाठ करते थे प्रतिदिन एक पूरा हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं, 40 में से केवल एक चौपाई, परंतु भाव से, और ऐसे अद्भुत उनके अनुभव थे कि बताने में भी, शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। तो केवल एक पाठ करें आप भले दिन में, परंतु भाव से कीजिए। और 100 पाठ करने हैं तो कर सकते हैं, विश्राम लेकर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु भाव हो तो कीजिए। यदि आप 100 पाठ भाव के साथ कर सके तो कीजिए, एक बार में कीजिए, चाहे विश्राम लेकर कीजिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु जो आपको ध्यान रखना है वो मैं बार बार कहता हूँ, केवल भाव का ध्यान रखिए और कोई भी इसमें ध्यान देने योग्य बात नहीं है, केवल भाव, पाठ चाहे कितने भी हो। पांचवा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर प्रकाश डालने की सबसे अधिक आवश्यकता है, वो यह है कि क्या हम हनुमान चालीसा की अंत की चौपाई में तुलसीदास सदाहरी चेहरा की जगह अपना नाम लगा सकते हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
तुलसीदास जी की जगह अपना नाम हम कैसे लगा दें, पहले के समय में या शायद आज भी होता हो, जो भी कवि रचना करते थे अंत में अपना नाम लिखते थे, तो क्या हम तुलसीदास जी की रचना में अपना नाम लिख दें? और वैसे भी क्या हम इस श्रेणी के हो गए, हमने अपने आप को इस श्रेणी का मान लिया कि तुलसीदास जी की नाम की जगह हम अपना नाम लगा दें? कितने महान संत तुलसीदास जी, और कहा हम कहीं भी तुलना ही नहीं है, तुलसीदास जी की जगह अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ये जो भी कहते हैं बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, बिल्कुल भी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये हनुमान चालीसा के विषय में कुछ प्रश्न थे जो हमें लगा, जिन पर प्रकाश डालना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नाम जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।